বেকারত্ব নাকি মূল্য বৃদ্ধি, কোভিড পরিস্থিতিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা নাকি পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যা, উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের শেষ দফায় কিসের উপর ভিত্তি করে ভোট দেবেন জনপুরের হরিজনরা? গোবলায় দাঁড়িয়ে তারই আভাস পাওয়ার চেষ্টা করলেন কলকাতা টিভির বিশেষ প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা। আমি এখন রয়েছি বারাণসী লাগোয়া এই জনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে। একটি ছোট গ্রাম হরিজন বস্তি এবং এখানে হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষজনের বাস। জীবিকা হিসেবে তারা স্থানীয় একটি কারখানায় কাজ করেন, তবে করোনার আগে এই গ্রাম থেকে বাইরে অনেকে কাজ করতে যেতেন। করোনাকালে সেই কাজ হারানোর পর গ্রামে এখন বেকারত্বের ছায়া। যার কাছে জিজ্ঞেস করছি, উন্নয়ন বিকাশের নামে পাঁচ বছরে আপনারা কি পেয়েছেন? বিজেপি সরকারের প্রতি যেমন ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন, ঠিক তেমন ভাবে এবারে ভরসা রাখছেন কেউ কেউ বসপার দিকে, কেউ কেউ সপার দিকে। অর্থাৎ বিজেপি বিরোধী যদি একটা ভোট বলা যেতে পারে, এই লোয়া ব্যাকওয়ার্ড কাস্টের ভোটটা কিন্তু যাচ্ছে একেবারে বিজেপির বিপরীত দিকে। আপসে জাননা চাহেঙ্গে ক্যা ক্যা সমস্যা হ্যায়, জব ভোট ডালনে জায়েঙ্গে ক্যা দিমাগ মে রহতা। दिमाग इस समय जो पाँच साल में गुजरा है वो दिमाग में बैठा करके वो करेंगे। अब जैसे महंगाई सबसे ज्यादा कमर तोड़ दी है। आप लोग क्या काम करते हैं? हम इस समय ये बिस्लेरी बॉटल में काम करता हूँ, कंपनी है। अच्छा, तो यहीं से शुरू से यही काम करते हैं? नहीं नहीं, शुरू से तो मैं दिल्ली था, पहले यहाँ सूरत था। मतलब गांव में कोई काम नहीं मिला के आप लोग बाहर चले गए? बुजुर्ग आदमी है तो यहाँ पे युवा क्या करते हैं? युवा पढ़ाई पढ़ के बैठे हैं, नौकरी मिली नहीं रहा है। नहीं मिला घर बनाने का? घर बनाने का जो है कि किसी किसी का बनाए, किसी किसी का नहीं बनाए। क्या चाची क्या समस्या है, गैस का समस्या क्या है? गैस तो 1000 रुपए। अगर उतना पैसा नहीं पास में है तो खाने बगैर मरेंगे। साइकिल में है या हाथी में है या फिर कमल में है? हम किसी के मन का बात नहीं बता सकते। घटाएगा उनके सपोर्ट में है। क्या सोच क्या रहे हैं गांव में? महंगाई, बेरोजगारी और क्या परेशानी है? और छुट्टा पशुओं से सबसे अधिक यहां तबाही है और बेरोजगारी। बीएड, बीटीसी, टेट सब लोग पास करके आज तक नौकरी, पांच साल में एक भी नौकरी नहीं मिली। 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना अधिक घोटाला हुआ है, ओबीसी और एससी का हनन हुआ है योगी सरकार में। आज के बाद योगी सरकार यहाँ से साफ हो गई, समझ लीजिए। ये तो बीजेपी 2017 में पूरा वोट बैंक इनका ही आया था। हाँ, लुभाए थे कि हम 15 लाख देंगे, गरीबों के लिए करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं किए। क्या किए? बीजेपी से अभी नाराज होके सपा में आ रहे हैं। तो एक बात बताइए, अखिलेश जी का तो मतलब प्रभाव यहाँ पे बहुत लग रहा है, तो राजभर जी का क्या होगा? राजभर भाई हमारी पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है एकदम। अभी स्कूल जाती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 4 में। महंगाई के अलावा आप अपने इलाके में काम चाहते हैं या फिर बाहर जाएंगे? हम तो ऐसा चाहते हैं कोई ऐसा सरकार आए जो हम गरीबों के लिए यहाँ कंप्लेन डाले और हमें बाहर न जाना पड़े, यहाँ काम मिले है तो बाहर क्यों जाएंगे हम। बीजेपी भोटेर समय 2017 साले जे प्रतिश्रुति पूरण करार जन्य भोट चाहते एसेछिल, पांच बछरे तादेर देखा मेलेनी, ताई सेई भोट बैंकटाई किन्तु एखन चले आसछे। কোন ক্ষেত্র হচ্ছে সপাকে সাপোর্ট করছে, কোন ক্ষেত্র বসপাকে সাপোর্ট করছে, কিন্তু টোটাল এই যে এরিয়াটা বিজেপির একটা বিরোধিতায় একসঙ্গে ঐক্যতার সঙ্গে যে কথা বলছে, অন্তত এই সম্প্রদায়ের মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে কিন্তু সেটাই বোঝা যাচ্ছে। জনপুর থেকে ক্যামেরায় সুবীর দাসের সঙ্গে আমি সুচন্দ্রিমা, কলকাতা টিভি।